की जगह, और मेरे साथ बहुत मोटा अन्याय हुआ है। ऐसा है, मैं अशोक मित्तल गांव कोट का रहने वाला हूँ, और जो है ना मेरा गांव कोट बस स्टैंड पे है, और लगभग मैं 20 साल से वहाँ रह रहा हूँ। और मेरे घर की पानी की निकासी जो PWD विभाग की जो है पुलिया बनी है उसके नीचे से लगभग 200-300 सालों से हो रहा था, लेकिन गांव के सरपंच ने जबरदस्ती एक राजनीतिक दुश्मनी के तहत के कारण जो है ना मेरा पानी की निकासी रोक दी। जब मैंने इसको मना किया कि भाई आप मेरे घर के पानी की निकासी ना रोको, ये पानी कहाँ जाएगा, तो उसने मेरे से आप शब्द बोले और ये कहा मुझे तेरे पानी से और तेरे जो है ना किसी चीज़ से तेरे से कोई ठेका नहीं उठा रखा। तो मैंने उसको बजाय कोई लड़ाई झगड़ा करने की पुलिस प्रशासन में मैंने उसको दरख्वास्त दी, परंतु कोई भी मेरी कार जो है 6 महीने से मेरी दरख्वास्त पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं लगातार जो है ना सभी अधिकारियों को SDM साहब को तहसीलदार को सभी को दरख्वास्त दे चुका हूँ, परंतु मेरी दरख्वास्त पे कोई कार्रवाई नहीं हो। करनाल के घरोंडा हलके के रहने वाले अशोक मित्तल कोहंड गांव के जो हैं वो आज यहां पर पहुंचे हैं और SP DSP को शिकायत दी है। इनका कहना है कि राजनीतिक रंजिश के चलते, राजनीतिक साजिश के चलते जो है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। और आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में, कहां के रहने वाले हैं और क्या कुछ परेशानी आपको हो रही है। मैं अशोक मित्तल गाँव कोहंड का रहने वाला हूँ, मैं पूर्व में जिला परिषद करनाल का चेयरमैन भी रहा हूँ और मौजूदा जिला पार्षद भी हूँ। और मेरे घर का जो है मैं कोहंड गाँव में रहता हूँ, मेरे घर के पानी को जबरदस्ती मेरे गांव के सरपंच ने राजनीतिक द्वेष के कारण रोक दिया, जब जिसकी वजह से मेरे घर के बाहर जो पानी इकट्ठा हो गया उसमें कीड़े पड़ चुके हैं और बदबू फैल चुकी है, जिससे बीमारियां फैलने का भी डर बना हुआ है। इसको लेकर के मैंने पूरे प्रशासन DC ADC SDM तहसीलदार SP DSP SHO सभी को दरख्वास्त दी, किसी ने भी जो है ना राजनीतिक जो है प्रशिक्षण वो मिलने के कारण उनको संरक्षक मिलने के कारण उसका अपने सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैं एक जिला पार्षद होने के बाद मैंने अपनी बात को जिला परिषद के हाउस में उठाया और PWD की वो जो पुलिया थी जिसके नीचे से पानी की निकासी होती थी उसका भी मैंने जो है वहाँ पे जब क्वेश्चन उठाया और उनको नोटिस दिया तो उस नोटिस का कोई जवाब वो लोग नहीं दे रहे। तो अब जो 12 तारीख को मीटिंग थी उसमें भी हमने उसको बताया भी आपने जो है ना इन पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने ये कह करके कह दिया कि भाई ठीक है हम जल्दी ही इसकी पानी को निकासी को रोक देंगे। परंतु मैं आज सुबह से जो है DC साहब से मिलने की कोशिश कर रहा था, उनके जो PA हैं रणधीर सिंह उन्होंने ना ही तो मेरे DC साहब से बात कराई ना ही मेरे को उनका टेलीफोन नंबर दिया। ये राजनीतिक रंजिश इसलिए है क्योंकि मैं किसी दूसरी पार्टी से संबंध रखता हूँ और जो है ना सरपंच किसी दूसरी पार्टी से संबंध रखता है, तो ये जो राजनीतिक रंजिश है उस रंजिश के कारण, और जो है ना दूसरी जो रंजिश है वो ये है कि जो गांव का सरपंच है वो ये कहते हैं भाई तूने हमारे को वोट नहीं दी थी और तेरे को हम देख लेंगे, और तेरे गाँव कोंड का सरपंच है और उसका नाम सतपाल रावल है और वो जो है ना गरोंडा के जो विधायक है वो उनसे जुड़े हुए हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का हूँ और जो है ना मैं मतलब इस टाइम जो है बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ। मेरा नाम अशोक मित्तल है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे, हम आपको बताएं कि जिला पार्षद भी हैं और हम आपको बताएं कि जिला परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं अशोक मित्तल, जो BSP के नेता भी हैं। इनका कहना है कि कोहंड गांव के रहने वाले हैं, कोहंड गांव के जो सरपंच हैं वो राजनीतिक द्वेष भावना के चलते उनको और उनके परिवार को काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और हमारी अपील है जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। इनका कहना है कि तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट काट कर ये परेशान हो चुके हैं, लेकिन इनकी सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। कमल मीडिया करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। आज कहाँ पे आए और क्या कहना चाहिए? आज तो हम जो है ना फिर भी प्रशासन से मिलने के लिए आए हैं, अगर प्रशासन ने हमारी बात आज सुन ली और ये इस पे कोई निर्णय लेकर के हमारी पानी की निकासी को अगर खोल दिया तो ठीक है, अन्यथा मैं हमारे जो पार्टी के प्रदेश के जो नेता हैं उनसे बातचीत करके यहाँ 4,000-5,000-10,000 जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकेंगे उनके यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और मैं भूख हड़ताल पे अपने परिवार को लेकर के मैं यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठूंगा और जब तक मैं चाहे मेरी जान चली जाए जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं उठूंगा।